अस्सलाम वालेकुम, वेलकम वेलकम टू वुमेन्स कॉर्नर। आज हम आपके लिए इंस्टेंट डेजर्ट की रेसिपी लेकर आए हैं। तो इसके तीन स्टेप हैं। सबसे पहला जो स्टेप है उसमें हमें यहाँ पे जो चीज़ें चाहिए उसके लिए दूध हम इस्तेमाल करेंगे जितना हमें ज़रूरत होगा। मिल्क पाउडर मैंने यहाँ पे लिया है 1/4 कप। 2 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल करेंगे और 1 टेबल स्पून शुगर पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एक बाउल लेंगे जिसमें हम ऐड कर देंगे शुगर पाउडर, साथ हम ऐड कर देंगे मिल्क पाउडर और साथ हम यहाँ पर ऐड करेंगे फ्रेश क्रीम। इसको पहले हम एक दफ़ा मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करके अब हम यहाँ पर तकरीबन 1 टीस्पून के करीब मिल्क ऐड कर देंगे। आपने इसे बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना, इस तरह का आपने एक पेस्ट सा बना लेना है। अच्छी तरह से मिक्स करके अब हम इसे रखेंगे साइड पे। अब हम इसका सेकंड स्टेप प्रिपेयर करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1/2 कप लिया है मिल्क और यहाँ पे 1/2 कप ही हम इस्तेमाल करेंगे मिल्क पाउडर। शुगर पाउडर मैंने लिया है 2 टेबल स्पून। यहाँ पे आप कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे पिस्ता, काजू और बादाम कट कर लिए हैं। वनीला एसेंस हम इसमें इस्तेमाल करेंगे 1/2 टीस्पून। अब यहाँ पर हम एक बाउल ले लेंगे, इसमें हम ऐड कर देंगे मिल्क। मिल्क जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये ठंडा मिल्क आपने इस्तेमाल करना है। साथ हम शुगर पाउडर भी ऐड कर देंगे, साथ हम ऐड कर देंगे मिल्क पाउडर, साथ हम ऐड कर देंगे वनीला एसेंस। अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब यहाँ पर हम ऐड कर देंगे ड्राई फ्रूट। थोड़े से हम बचा के रख लेंगे गार्निशिंग के लिए। इनको भी हम मिक्स करेंगे और मिक्स करके अब हम इसे भी रखेंगे साइड पे। अब हम यहाँ पर लेंगे 4 अदद ब्रेड। इसके अलावा शुगर पाउडर लेंगे 1 टेबल स्पून, मिल्क लेंगे 1/2 कप। सबसे पहले हम यहाँ पर ब्रेड लेंगे, इनके जो कॉर्नर हैं इनको हम रिमूव कर लेंगे। तमाम ब्रेड के हमने कॉर्नर्स रिमूव कर लिए हैं और इनके आप ब्रेड क्रम्स बना के यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो ब्रेड हैं इनके हम जो सबसे पहले हमने मिल्क पाउडर का मिक्सचर तैयार किया था वो ऐड कर देंगे। आपने ये तमाम ब्रेड पे अच्छे तरीके से स्प्रेड कर लेना है। तमाम ब्रेड पे हमने ये मिक्सचर पुट कर लिया है। अब यहाँ पे हम इनको फोल्ड करेंगे और यहाँ पे अब हम इनको कट कर लेंगे। आप किसी भी शेप में इनको कट कर सकते हैं, मैं इस शेप में इनको कट कर रही हूँ। कट करने के बाद अब यहाँ पर हम इन्हें करेंगे साइड पे। यहाँ पे अब हम एक बाउल ले लेंगे, इसमें हम ऐड कर देंगे मिल्क, साथ में यहाँ पर ऐड कर दूंगी शुगर पाउडर। अब यहाँ पे हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ पर एक सर्विंग डिश ले लेंगे और यहाँ पे जो ब्रेड के स्लाइस हमने कट किए हैं सबसे पहले हम वो ऐड कर देंगे।
अब हम इसमें सिंपल मिल्क और जो शुगर पाउडर हमने ऐड करके मिक्स किया है वो हम ऐड कर देंगे। तमाम ब्रेड पे आपने अच्छी तरह से ऐड कर देना है। अब हम इसके ऊपर ये जो हमने सेकेंड स्टेप में दूध का मिक्सचर तैयार किया था अब हम ये ऐड कर देंगे। अब एंड पे हमने जो थोड़े से ड्राई फ्रूट बचा के रखे थे वो हम ऐड कर देंगे। अब आप इसे सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our